नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसू, रेडिन रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हजार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हान के रूप में लावरसू स्केच के रूप में रेडिन किंग्सले ले तंगी पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंकटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में धीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडिन रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानीशंकर छायांकन आर डी राजेखर द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है दास ने लड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बड़दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को कल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्विंद के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसू स्केच के रूप में रेडिन किंग्सले स्ले तंग अधाधुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरिन एक कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईदीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुब्भैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट लीला रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में एला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंग पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में, में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में धीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी रूप के, के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुब्भैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानीशंकर शंकर अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई डी है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने रड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बड़दा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बड़दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद के लिए काल भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंग अदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबहिया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को इस कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक बिनोद शिवाजी शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई धीना करपगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में अहम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट लीला वर्सू रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन आर डी राजशेखर द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एल एल पी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानाक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसू वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंग पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुब्भैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एलएलपी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानीशंकर छायांकन आर डी राजेखर द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हजार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहाँ इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने रड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बर्दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बर्दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंगी पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबहिया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजीद शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईदीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एल एल पी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को तिरुकल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्र राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में एला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेना अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुब्भैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम, शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई टी पेश्वर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्न्न्न्न्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने लड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बर्दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बर्दा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बर्दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसा का अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को कल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेडिन किंग्स ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबहिया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजी शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीली रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईं दीना करपगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगठन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल, एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छाया अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एल एल पी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भागकर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बड़दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहां वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्विंद के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्र रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में एला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी रूप के, के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैन फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इला रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने रड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बरथा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बड़दा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसा का अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को कल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंद्रा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि भुमी के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंकटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबहिया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को इस्तबद कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजी शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीली रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईं दीना करपगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडिन रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर चाय अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हजार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहाँ इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋ लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बड़दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को तिरुकल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्र इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्र राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरद कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट लीला रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सीएस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बरदा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंद्रा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में एला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले ले तंग पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाला विलास दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजीत शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई धीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावरसु रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानीशंकर शंकर अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज की तारीख चौदह अप्रैल दो हजार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहाँ इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई डी पेश्वर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने रड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को नन्या को मारना था, भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को कल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के में, रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेडन किंग्सले सले तंग अदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेना अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजीत शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईद हाँ हिना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी रूप के, के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगोथन शिलिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट लीला रेडिन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हजार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हजार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बरदा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हा नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंद्रा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में एला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले रे तंग पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटे के रूप में थेनल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक शशि भूमि के 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 गुंडे रूप रूप में में डॉक्टर नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रन मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इला रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानीशंकर छायांकन आर डी राजेखर द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई टी पेश्वर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने लड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बड़दा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को नन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हन नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को तिरुकूड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद के लिए काल भैरव मंदिर पहुंचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहां रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कॉन्स्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले स्ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटे के रूप में थेनाला अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजीत शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरिन एक कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई रीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुब्भैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगठन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इला रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर चाय अंकन आर डी राजेखर द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एल एल पी रिलीज की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हजार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथानक रुद्रन एक आई पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋण लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बरदा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बर्धा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहाँ बर्दा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बर्दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हन नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसा का अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को तिरु पल्लूकू ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद के लिए भैरव मंदिर पहुंचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहां रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमि भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्राणी रुद्रन की माँ के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेडन किंग्सले ले तंगदुरई पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए वेंकटेश यथिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अनन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुभैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शिवाजीत शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन, सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन एक दो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैनर फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्म में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट इलावर वर्सू रेडियन किंग्स लेसरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जी वी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर चाय अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत दिया है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एलएलपी रिलीज की तारीख चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहाँ इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई रुद्र रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी के रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने रड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बरदा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हन नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसा का अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को कल्लुकुड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के, के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी खत्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज रूप के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राज इंद्राणी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप मेंला वर्सू स्केच के रूप में रेडन किंग्सले ले तंगी पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे वेंटेश हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनाल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में सुबैया के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोदीत शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरिन एक कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगठन शिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रुद्रण मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद रुद्रन रुद्रन ने एक दो तो हजार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एस काथी सेरन ने काथी रेशन ने अपने बैंड फाइव स्टार किशंस एल एल पी के तहत किया है फिल्में राघव लॉरेंस आर शरत कुमार और प्रिया भवानी शंकर है जबकि नासर पूर्णिमा भाग्यराज काली वेंकट लीला रेडिन रेडियन किंग्स ले और शरत लोहिताश्व महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं बैकग्राउंड स्कोर सैम सी एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार और ओफो द्वारा तैयार किया गया था निर्देशक एस कथिरेशन द्वारा लिखित के पी तिरुमारन द्वारा उत्पादित एस कथिरेशन अभिनीत राघव लॉरेंस आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर छायांकन अंकन आर डी द्वारा संपादित एंथोनी संगीत है गाने जीवी प्रकाश कुमार धरन कुमार एक गीत ओफ्रो एक गीत अंक सैमसी एस उत्पादन कंपनी फाइव स्टार क्रिशंस एल एल पी रिलीज़ की तारीख चौदह अप्रैल दो हजार तेईस कार्यकारी समय एक सौ तिरपन मिनट देश भारत भाषा तमिल बॉक्स ऑफिस अनुमानित दस करोड़ रुद्रन को चौदह अप्रैल दो हज़ार तेईस को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जहां इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई कथाना रुद्रन एक आई टी पेशवर है जो चेन्नई में अपने माता पिता देवराज और इंदिरा के साथ खुशी से रहता है जहाँ उसे अनन्या नामक एक लैब टेक्नीशियन से प्यार हो जाता है जो अपने दोस्त शक्ति की शादी की रिसेप्शन में अपने प्यार का इजहार करती है वे शादी कर लेते हैं और अपनी बेटी अनन्या को जन्म देते हैं देवराज एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक है जिसे दास ने एक साहूकार से छः करोड़ का ऋण दिलाने में मदद की है हालांकि देवराज की यह पता चलने के बाद मृत्यु हो जाती है कि दास ने ऋड़े लेकर भाग कर उसे धोखा दिया है रुद्रन वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए लंदन चला जाता है अनन्या और अन्या उसके साथ लंदन में थोड़ा समय बिताते हैं जहाँ अनन्या अन्या को छोड़कर वापस चेन्नई चली जाती है एक दिन रुद्रन को इंदिरा की अचानक मौत और अनन्या के लापता होने के बारे में पता चलता है जहाँ वह चेन्नई जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है जांच करने के बाद रुद्रन एक मोटरसाइकिल गिरोह और उनके नेता बर्धा को एक कारखाने में ठिकाने पर पकड़ लेता है रुद्रन बर्धा को सच्चाई उजागर करने के लिए प्रताड़ित करता है बर्धा और उसकी दोस्त भूमि दोबारा अपराधी बने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बसे लोगों के माता पिता को निशाना बनाकर एक अपराध नेटवर्क चलाते हैं जिससे उनके माता पिता की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है सौ करोड़ रुपए की व्यापारिक सौदे के कारण बड़दा और भूमि ने इंदिरा को निशाना बनाया जहां बरदा और उसकी गिरोह ने घर में प्रवेश किया और गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी यह जानने के बाद रुद्रन क्रोधित हो जाता है और बड़दा को मार डालता है हालांकि रुद्रन पर भूमि और उसके लोगों द्वारा हमला किया जाता है जहां वह शक्ति को फांसी पर लटका देता है भूमि ने खुलासा किया कि इंदिरा के घर पहुंचने के बाद उसे और उसके गिरोह को अनन्या को मारना था भूमि फैक्ट्री को जला देती है लेकिन नरसिम्हन नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रुद्रन को बचाता है अपने परिवार के नुकसान से परेशान होकर रुद्रन ने अपना हिंसक अभियान शुरू किया और भूमि के अपराध नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाया भूमि को पता चलता है कि रुद्रन उसके पीछे है जहाँ वह अपने आदमियों को ड्रम में रुद्रन और अन्य को मारने के लिए कहता है लेकिन रुद्रन उन्हें मारने में सफल हो जाता है रुद्रन भूमि को अंतिम द्वंद्व के लिए भैरव मंदिर पहुँचने के लिए कहता है एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ रुद्रन भूमि और उसके लोगों को मार देता है और इस प्रकार अपने परिवार की मौत का बदला लेता है कुछ साल बाद रुद्रन इंदिरा के नाम के एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों की भी मदद करता है रुद्रन ने देवराज की मौत का बदला लेने के लिए मदुरई में दास को भी ख़त्म कर दिया और अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रखा डालना रुद्रन के रूप में राघव लॉरिस भूमिनाथन भूमि के रूप में आर शरद कुमार प्रिया भवानी शंकर अनन्या रुद्रन की पत्नी के रूप में रुद्रन के पिता देवराज के रूप में नासर पूर्णिमा भाग्य राजेंद्रानी रुद्रन की मां के रूप में भूमि के मित्र बरदा के रूप में शरद लोहिताश्व शक्ति के रूप में काली वेंकट रुद्रन के दोस्त कांस्टेबल नरसिम्हन के रूप में लावरसु स्केच के रूप में रेड किंग्सले स्ले तंग पेंसिल के रूप में एस पी जगनाथन के रूप में जयप्रकाश ए हे हेतिराज एक साहूकार के रूप में एक वकील पांडियन के रूप में हरीश पेराडी अन्या रुद्रन और अनन्या के बेटी के रूप में थेनल अभिलाष दीपिका अनन्या की दोस्त और शक्ति की पत्नी के रूप में संभवी गुरुमूर्ति जय कुमार दास के रूप में के रूप में राजेश गुना भूमि के गुंडे के रूप में शिव को स्तब्ध कर देना भूमि के गुंडे गंगा के रूप में अभिषेक विनोद शशि भूमि के गुंडे के रूप में डॉक्टर के रूप में नीलिमा रानी जॉर्ज मैरी ने कैब ड्राइवर के रूप में शंकर के रूप में साई साईधीना कर्पगम एक पुलिस अधिकारी के रूप में दीपा शंकर मारी के रूप में एम कामराज भूमि के गुंडे रुद्रन के प्रबंधक के रूप में प्रदीप के विजन सुबैया के बेटे सुरेश के रूप में श्याम प्रसाद लड़के राजन डॉक्टर के रूप में जॉनी के रूप में संगुथन सिलमिशम शिव दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद